नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑल इन न्यूज इंडिया। चीन का नाम नहीं लेंगे लेकिन चीन को काम जरूर देंगे। मोदी सरकार की नई नीति है जिसके तहत चीन हमारी सीमा के अंदर आकर के हमारे 20 से ज्यादा जवानों को शहीद कर देता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी चीन का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार चीन को 1,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दे देती है। इसी को कहते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी। किस तरह से सरकार के खाने के दांत कुछ और हैं और दिखाने के दांत कुछ और हैं। देशवासियों से कहा जाता है कि अब चीनी वस्तुओं का बाइकॉट करिए, बहिष्कार करिए, लेकिन किस तरह से सरकार एक मोटी रकम 1,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सीधे सीधे चीन को दे देती है, चीनी कंपनी को दे देती है, और इसके लिए कोई हल्ला गुल्ला, कोई पूछता है भारत, कोई अंजना ओम कश्यप का हल्ला बोल, कोई सुधीर चौधरी का डीएनए, कुछ नहीं होगा। मीडिया इस पर चुपचाप से अपनी दुकान बंद करके चला जाएगा। लेकिन यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है और इस खबर को समझना जानना भी बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल एक रेलवे का प्रोजेक्ट है और उसके तहत न्यू अशोक नगर से गाजियाबाद के साहिबाबाद तक 5.5 किलोमीटर लंबा एक टनल बननी है और इसके लिए चीनी कंपनी, चीन की एक कंपनी है संघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, इसको जो है वो प्रोजेक्ट दे दिया गया है और 1,000 करोड़ रुपए का इस प्रोजेक्ट की लागत है। ये खबर आप देखिए, चीन की कंपनी को मिला दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट का ठेका, 1,000 करोड़ में बनेगा अंडरग्राउंड रास्ता। 1,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और आपसे बोला जाता है कि आप 100 रुपए की चीजों का बहिष्कार करिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र निगम NCRTC ने दिल्ली मेरठ RRTC परियोजना के तहत न्यू अशोक नगर से साहिबाबाद तक 5.6 किलोमीटर के भूमिगत मार्ग के निर्माण का ठेका एक चीनी कंपनी संघाई टनल इंजीनियर कंपनी लिमिटेड STI को दे दिया है। ये एक बड़ी खबर है और ये खबर पूरी तरह से मीडिया से नाराज है, पूरी तरह से गायब है। दिल्ली मेरठ RRTS परियोजना निर्माण ठेका चीनी कंपनी को दिया गया है, तो देखिए किस तरह से जो है वो लोगों के साथ में छल किया जा रहा है वो आप देखिए, और इसके पीछे वजह क्या बताई गई है उसको भी समझिए। कम लागत में ठेका लेने को तैयार थी चीनी कंपनी, ये जो है वो बताया जा रहा है कि सबसे कम जो है वो लागत में काम करने को चीनी कंपनी तैयार थी, इसलिए उसको दिया गया है। दरअसल चीनी कंपनी संघाई टनल इंजीनियर लिमिटेड इस मार्ग के निर्माण की सबसे कम लागत बोली में ठेका लेने को तैयार थी, जिसके कारण यह कॉन्ट्रैक्ट चीनी कंपनी को दिया गया है। ठेका विदेश कंपनी को देने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NRCTC के एक प्रवक्ता ने कहा कि किसी भी कंपनी को यह ठेका देने से पहले बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा फंड के लिए विभिन्न स्तरों पर स्वीकृति लेनी होती है, निर्धारित प्रक्रिया और दिशा निर्देश के बाद ही यह ठेका दिया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि अब 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ गलियारे के सिविल काम के लिए भी निवेदनाएं दी गई हैं और समय पर परियोजना चालू होने के लिए निर्माण कार्य पूरे जोरों पर चल रहा है। एक खबर और आप देखिए, चीनी कंपनी को मिला दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट का ठेका, पिछले साल लगी थी रोक। पिछले साल भी ये मुद्दा उछला था लेकिन पिछले साल इस पर रोक लगा दी गई थी। और अभी आपको याद होगा कि 14-15 जून की रात को हमारे 20 से ज्यादा जवान शहीद हुए, उसमें कर्नल रैंक तक के अधिकारी जो है वो शहीद हुए। लेकिन आप बताइए कि एक तरफ हमारे जवानों की शहादत होती रही और उसके बाद में मोदी सरकार ने क्या किया, मोदी सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक की। मीडिया की माने तो स्ट्राइक थी, वो डिजिटल स्ट्राइक थी। एक ऐप बंद करने को लेकर के डिजिटल मीडिया ने कहा कि 56 इंची छाती दिखी है और 59 ऐप बंद कर दिए हैं, ये गोदी मीडिया की तरफ से कहा गया। लेकिन आप बताइए कि 1,000 करोड़ रुपए का सीधा सीधा प्रोजेक्ट जो है वो चीन को दे दिया गया है, अब कौन जिम्मेदार है इसको लेकर के क्या पूछा जाएगा कि किस तरह से देश के अंदर माहौल तैयार किया जाता है कि आप चीनी वस्तुओं का बहिष्कार कर दीजिए, आप चीनी फोन मत खरीदिए, आप चीनी टीवी को तोड़ दीजिए, आप अपने बच्चों के जो चीनी मोबाइल फोन है उसको तोड़ दीजिए। और सुधीर चौधरी इसको लेकर के डीएनए का शो करते हैं कि देखिए फला कंपनी के, चीन के कंपनी के जो है फला फला मोबाइल है और इतने प्रतिशत है, खिलौने इतने प्रतिशत है, ये आइटम इतने प्रतिशत है। लेकिन अब इनके मुंह में दही जम गया है और कोई इस बात पर चर्चा नहीं करेगा कि आखिरकार सरकार ने इतनी तनातनी के बीच में
चीन को इतना बड़ा ठेका क्यों दिया, इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। माने आम आदमी जो है वो अपनी 10-20 रुपए की जहां पर उसको बचत होती है तो उस बचत को ठुकरा दे और महंगा सामान खरीदे, चीन का सामान ना खरीदे। लेकिन आप सीधे सीधे 1,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट चीन को दे दे तो आप देशभक्त हैं और देशवासी जो है वो देशद्रोही है, वो गद्दार है अगर वो चीनी वस्तुओं को खरीदते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जगह जगह पर अंधभक्तों की टोली इकट्ठा होकर के जो चीनी वस्तुएं बेचने वाले लोग हैं या कोई मुसलमान बेच रहा है तो उसको पीट देंगे, उसको पीट देंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने चीन के सामान को खरीदा, चीन के सामान को तुम बेच रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उसको जो है वो देशभक्ति सिखाने लगेंगे। लेकिन इनको देशभक्ति कौन सिखाएगा कि एक बगल में जो है ये 1,000 करोड़ रुपए का पैकेज दे रहे हैं, उनको प्रोजेक्ट दे रहे हैं और दूसरी बगल में हमारे 20-20 जवान शहीद हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लुंगी पहन करके उनके साथ में फोटो खिंचाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी छतरी पकड़ने का काम करते हैं, सी जिनपिंग का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको झूला झुलाते हैं, तब जो है वो देशभक्त है। लेकिन अगर कोई आम व्यक्ति अगर चीन का सामान खरीद ले या बेच दे तो वो देशद्रोही है। लेकिन वहीं पर सरकार अगर प्रोजेक्ट दे दे 1,000 करोड़ का तो वो देशभक्त है, उस पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। देखिए किस तरह से इसे कहते हैं हिपोक्रेसी की सीमा। हिपोक्रेसी कितनी ज्यादा हो गई है कि एक तरफ जो है वो आम आदमी पिस रहा है, महंगाई की मार उस पर पड़ रही है, उसको कहेंगे कि आप चीनी वस्तुओं का बाइकॉट करिए, लेकिन आप खुद से 1,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है उनको दे देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक एक बार भी चीन का नाम लेकर के सीधे सीधे जो लाल आंख दिखाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई थी जब वो मुख्यमंत्री थे, उनकी तरफ से एक बार भी उनका नाम लेकर के उनको लाल आंखें नहीं दिखाई गई है। लेकिन अब जब सही में लाल आंखें दिखाने का वक्त था तब उस वक्त में वो आंखें कैसी हो गई हैं ये तो आप खुद से तय करिए कि 1,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो उनको दे दिया गया है। आप खेल को बारीकी से समझिए। खेल क्या होता है? खेल ये होता है कि स्वदेशी अपनाइए, मेक इन इंडिया को बढ़ावा दीजिए, रामदेव जैसे लोगों को उसमें बढ़ावा दिया जाता है। और अब वही लोग जब देश का किसान सड़कों पर उतर करके अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली आया है तो वैसे वैसे सेठ, वैसे वैसे बाबा रामदेव अब लाला रामदेव बन गए हैं, वो नजर नहीं आते हैं। वो जब खुद जो है किसान आत्मनिर्भर है, उसको अडानी निर्भर बनाने की तैयारी हो रही है, तब उसके बचाव में कोई नहीं आता है। लेकिन जब भी सवाल उठता है कि स्वदेशी अपनाइए, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कीजिए, तब जो है वो ऐसी बातें कहां चली जाती है जब विदेश की कंपनी को ठेका दिया जाता है, तब ये बातें कहां चली जाती है? तब क्यों नहीं कहा जाता है कि आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे और भारत की किसी कंपनी को जो है वो इसका ठेका दिया जाता, ऐसा क्यों नहीं होता है? और रामदेव जैसे लोग जो स्वदेशी के नाम पर आते थे आज वो गायब है पूरी तरह से। किसानों के आंदोलन में रामदेव का एक शब्द कहीं पर नजर नहीं आया है और उन्होंने उल्टा रामदेव ने कहा है कि किसानों को समझना चाहिए कि सरकार उनके फायदे के लिए लेकर के आ रही है और किसानों को भी 2 कदम पीछे हटना चाहिए और सरकार को भी, ये रामदेव की तरफ से कहा जा रहा है। सोचिए कि किस तरह से अभी तो अंबानी अडानी के विरोध का जो है वो नारा किसानों की तरफ से दिया गया है, लेकिन अगर रामदेव के विरोध का नारा दिया गया तब रामदेव का क्या हाल होगा? क्यों नहीं देश को ही जो है वो आत्मनिर्भर बनाया जाए सही मायनों में, ऐसे ऐसे एक एक बाबाओं के हाथ आत्मनिर्भर बनाने की बजाय जो है किसान को ही सीधा सीधा मजबूत क्यों ना किया जाए? और इसीलिए जो है जो देश की छोटी कंपनियां हैं उसको आत्मनिर्भर बनाने की बजाय, उनको जो है ठेका देने की बजाय मोदी सरकार सीधे सीधे विदेशियों को ठेका दे रही है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि किस तरह से पूंजीपतियों के हाथ में सारा खेल चल रहा है और मामला जो है वो दिखाने का कुछ और है और कहने का कुछ और है। और मोदी सरकार 1,000 करोड़ रुपए का ठेका दे चुकी है और ये खबर जो है वो कहीं पर आपको दिखाई सुनाई नहीं देगी। इसीलिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक सच पहुंच सके, लोगों को पता चल सके कि किस तरह से आत्मनिर्भर भारत के नाम पर, मेक इन इंडिया के नाम पर और चीन के बायकॉट के नाम पर आपको ठगा जा रहा है। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और ऑनलाइन न्यूज इंडिया का फेसबुक पेज भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।